बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। शाह टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मंगो पीर पर। मंगो पीर कहा जाता है कि मगरमच्छ वाले सरकार। तो आए इस एपिसोड में मैं आपको पूरा मंगो पीर बाज़ार, जहाँ पे मज़े मज़े की खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही आर्टिफिशियल चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ के इन्वायरमेंट्स, यहाँ की जो सबसे मेन चीज़ है वो है मगरमच्छ। तो आज इस पूरे एपिसोड में मंगो पीर का पूरा टूर और इस मगरमच्छ को मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं और इस एपिसोड को भी आपके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर। अच्छा जी, सबसे पहले हमने सोचा कि मगरमच्छ वाले रास्ते में जाने से पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे जो मज़ार है मंगो पीर का, ठीक है, उस मज़ार को भी विज़िट कर लेते हैं और आपके साथ दिखाते हैं कि मज़ार के ऊपर क्या इन्वायरमेंट है। तो चलते हैं। ये मज़ार आ गया क्योंकि मज़ार भी पड़ोस में है और मगरमच्छ वाली साइड वो थी जो मेन गेट था, और लोग यहाँ पर आते हैं, मगरमच्छ को खाना भी खिलाते हैं। किस तरह से क्या अकीदा होता है उनका, वो सब भी हम जानेंगे जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। फ़िलहाल हम मज़ार तक पहुँच गए हैं और मज़ार पर अंदर चलते हैं और आपके साथ चेक करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस मज़ार वाले गेट के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। और भाई, ये मज़ार के अंदर आ गए हैं। बेसिकली अभी इस वक्त तो मज़ार बंद है क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन की वजह से, लेकिन हमें स्पेशल परमिशन है तो हम चेक करते हैं बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है। देख लें, ये पूरा एक इन्वायरमेंट है मंगो पीर के मज़ार का, और ये जिस तरह से इन्होंने रस्सी वगैरह बांधी हुई है, लेकिन एक बेहतरीन इन्वायरमेंट है यहाँ का। पुरसकून। और देखते हैं अंदर और क्या सीन है, चेक करते हैं। अच्छा जी, अब हम मंगो पीर के चश्मे की तरफ आ गए हैं और ये देखें, यहाँ पर पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है चश्मे का। और ये बाहर निकलते हुए क्या चीज़ें हैं ये हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ये सारी क्या चीज़ें? ये मलम है, दाद चंबल वगैरह उनके लिए। अच्छा अच्छा। और ये मट्टी है जल के, जो है ना पार्की फूल की जो खारिश होती है उसको लगाने के लिए जी। और ये चश्मे के अंदर जाने के भी कुछ पैसे सर? उसका जो ना 30 रुपये लेते हैं शुक्राना, ठीक है, वहाँ नीचे। हाँ, ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास नहीं भी होता। अच्छा, वैसे भी दे देते हैं। हाँ, फिर उनको खुशी से दे देते हैं। हाँ, फिर उनको किराया भी देके बेचते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये मुर्शिद का दर है, ठीक है, वहाँ नीचे खड़े होके नहाते हैं। हमारा काम है निगरानी करना, यहाँ की सफाई करना। ऐसे लोग भी आते हैं जो यहाँ पे टट्टियाँ पेशाब करके जाते हैं, ठीक है ना, ये सारे गुसलखाने जो ना भर जाते हैं, फिर इनको सफाई देखभाली ये सारा हमारी जिम्मे। चले जी अंदर देखते हैं, फिर चेक करते हैं भाई और आ जाए भाई। ये है इसका बेसिकली चश्मा, और लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें सर, इसके पानी का क्या है, क्या होता है सर? ये कुदरती गंधक वाला पानी, जो लोग आते हैं दाना खारिश एलर्जी कुछ भी मसला है झिल्ली, तो अल्लाह उनको ठीक भी कर देता है। सही जी। तो ये भाई देख लें, ये इनका चश्मा है, अगर थोड़ा सा करीब से दिखाएं। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। चले जी, अब हम आगे चलते हैं और भी चीज़ें चेक करते हैं कि मंगो पीर के अंदर और क्या हो रहा है। अच्छा जी, जिस तरह से मंगो पीर की बातें चल रही हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये हिस्सा जो जाता है ना, ये बाज़ार की तरफ से होते हुए मगरमच्छ की तरफ जाता है, तो मगरमच्छ की वजह से ये मज़ार काफ़ी ज़्यादा मशहूर है पूरे कराची के अंदर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बाज़ार के रास्ते से, इसके बाज़ार भी आपको दिखाता हूँ कि बाज़ार के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, और उसके बाद देखेंगे हम मगरमच्छ। तो आ जाए मेरे साथ बाज़ार चेक करते हैं भाई। ये देखें, ये एक इसका जो है बाज़ार है माशाल्लाह से। ये बने हुए कितना टाइम हो गया मुनीर भाई? बाज़ार पुराना है। अच्छा 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 अच्छा। ये आप देखें भाई, ये जिस तरह से बाज़ार की खूबसूरती, इसके अंदर तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं। और
और ये देखें, ये पूरा बाजार है, बाजार का एनवायरनमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये देखें भाई, ये बाज़ार का एनवायरनमेंट आप देखें। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट वे में बाज़ार दिखाया, क्योंकि बाज़ार के एक बैक साइड भी है, उस तरफ मैं नहीं लेकर गया हूँ आपको। तो मुझे जाना था मगरमच्छ की तरफ, और मगरमच्छ की तरफ हम आ चुके हैं। देखें, सबसे पहले आपको अंदर जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीछे से एक रास्ता है, वहाँ से आप खड़े होकर फ्री में देख सकते हैं। अब आपको अगर यहाँ से जाना होता है, इस रास्ते से अगर आप गोश्त वगैरह लेकर आते हैं, मगरमच्छ के लिए गोश्त खिलाना होता है, तो आप इस रास्ते से जाते हैं, ठीक है? आपको सपोर्ट करते हैं बहुत ये लोग। तो अंदर अभी हम जाएंगे, देखेंगे कि मगरमच्छ क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें, हम इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है, मंगो पीर के मगरमच्छ जहाँ पर हैं। हालत तो जाहिर सी बात है ख़राब हो रही है, और इसके अंदर तकरीबन 300 से ज़्यादा मगरमच्छ है इस पानी के अंदर। और अभी फ़िलहाल हमारे करीब में तो कोई नहीं है, लेकिन ये देखें आप, इस तरफ एक है, ठीक है। और ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ सोए हुए हैं, क्योंकि गर्मी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है। ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे जाना, इन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि अल्लाह ना करे कि आपके ऊपर अटैक वगैरह कर दें तो मसला हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आप, करीब से आप देख सकते हैं, थोड़ा मैंने जूम कर दिया है। ये पूरा एनवायरनमेंट है भाई यहाँ के मगरमच्छों का। तकरीबन 300 से ज़्यादा मगरमच्छ है, लोग यहाँ पर आते हैं, इनको गोश्त वगैरह दे भी देकर जाते हैं। ये देख लें, यहाँ पे फिर भी सेफ्टी के लिए भी लकड़ी का एक जाल बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त फुल एनवायरनमेंट बना हुआ है। और ये देख लें, लोग यहाँ पर आते हैं, लोग वहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है, ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह क्या बात है भाई। इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ, आप लाजमी आए और मंगो पीर मगरमच्छ को लाजमी देखें, ज़बरदस्त। मंगो पीर आप आएँ और मंगो पीर की सौगात को ना खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई ने ज़बरदस्ती हमें यहाँ पे बिल्कुल मेहमान बना दिया है, हम मेहमान नहीं थे बेसिकली, आरिफ भाई से भाइयों वाली बात है। आरिफ भाई ने हमारे लिए देखे इंतज़ाम किया, यहाँ की चपाती, चटनी और साथ साथ ये स्पेशल पकौड़ा, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है। तो भाई चेक करते हैं, आरिफ भाई ने ये पकौड़ा मंगाया मंगो पीर का, देखें भाई सबसे पहले तो, और चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मुंह में डालते ही सबसे पहले चीज़ वो बहुत ज़्यादा क्रंची है। पकोड़े मैं खाता हूँ दाल वाले, ये कौन से पकोड़े? ये बेसन के हैं, लेकिन इसमें प्याज वगैरह भी मिक्स करते हैं। बहुत ही लजीज। इसको आप चेक करते हैं चटनी के साथ, देख चटनी भी देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की चटनी है। ये चेक करते हैं चटनी में लगा के इस पकोड़े को। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, बेहतरीन भाई बेहतरीन। चटनी, चपाती, पकोड़ा, सौगात ऑफ मंगो पीर, साथ में कोल्ड ड्रिंक और आरिफ भाई की मोहब्बत, इस पर तो बोलना बनता है। तो चलो फिर, देखे भाई, ये देखे, ये दो मगरमच्छ अभी फिलहाल हमारे करीब आ चुके हैं, ठीक है। और इनके बारे में सुना है कि इनके जो खलीफा साहब हैं वो इनको बुलाते हैं, वो इनके करीब आ जाते हैं। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, ये दो हैं फिलहाल, एक ये देखें, एक ये रहा, ठीक है, और दूसरा ये सामने आया हुआ है। और मगरमच्छ रहते भी इस तरह से हैं, जिस तरह से ये सोते हैं और खाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब खा रहे हैं कब सो रहे हैं। ज़बरदस्त भाई, अच्छा जी, यहाँ पर कुछ विज़िटर्स भी आए हुए हैं मंगो पीर के मज़ार पर विज़िट करने के लिए। इनसे पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है इनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा, आप क्या समझती हैं मंगो पीर के हवाले से, इसकी पूरी हिस्ट्री के हवाले से आप यहाँ पर विज़िट करने के लिए आई हैं? मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, अभी हमने सारा जगह देखी नहीं है, तो अभी विजिट करेंगे फिर पता चल जाएगा। तो मतलब आप एडवेंचर करने के लिए यहाँ पर आई हैं, सारी चीज़ों को देखने के लिए? जी बिल्कुल। कहाँ से आई हैं आप? इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद से कराची विजिट करने के लिए आई हैं, स्पेशली मंगो पीर का मज़ार देखने के लिए? जी। तो यहाँ के मगरमच्छ आपने देखे अभी? नहीं अभी नहीं देखे, अभी जाने साइड पर, अभी साइड पर आए पहले, फिर अभी उधर जाएंगे। चलें एक दफ़ा आप कैमरे में देखकर बोल दें चलो फिर। चलो फिर चलें, डिस्कवर करें मंगो पीर को। नहीं नहीं, इस तरह नहीं ना, हमारा एक अलग है, चलो फिर शॉर्ट टाइम्स के साथ, ये बोल दें। चलो फिर शॉर्ट टाइम्स के साथ।
चले भाई, ये थी लाइबा जो यहाँ पर घूमने आई है इस्लामाबाद से मंगो पीर का मज़ार देखने के लिए, मंगो पीर के मगरमच्छ को देखने के लिए। आगे चलते हैं, और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये था भाई आज का एपिसोड मंगो पीर मज़ार के नाम, मंगो पीर के मगरमच्छ, मंगो पीर का एनवायरनमेंट जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। और अगर आपने कुछ ज़िंदगी में एडवेंचर करना है, वो भी कराची के अंदर रहकर, तो लाजमी आप इस मगरमच्छ को देखने के लिए आएँ, जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार थे और इनकी एज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और जिस तरह का एनवायरनमेंट मैंने आपको दिखाया, अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से मज़ार को तो बंद किया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उसके बाहर की चीज़ें आपको दिखाई जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। तो ये भी मेरे पीछे व्यू है पहाड़ का, मंगो पीर की तरफ का। और बस यही था भाई आज के एपिसोड में जो मैंने आपको दिखाया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह किसी नए लोगों के साथ, किसी नए स्पॉट पर हम आपसे मुलाकात दोबारा करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।